नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल और मैं हूँ काजल। कोयला खदान अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिति द्वारा आज WCL मुख्यालय के सामने सामूहिक मुंडन आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया गया। समिति के कार्यकर्ता पिछले काफी समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन WCL ने अब तक उनके कोई भी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शेतकरी संघर्ष समिति 24 नवंबर को संविधान चौक पर किए गए अर्धनग्न आंदोलन के बाद भी जब WCL प्रबंधन ने कोयला खदान अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिति की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो मजबूरन समिति के कार्यकर्ताओं को आज WCL के दरवाजे पर पहुंचना पड़ा। मांगे वही पुरानी थी, लेकिन आंदोलन का मिजाज बदला हुआ था। पिछली बार जहां आंदोलनकारियों ने अर्धनग्न होकर अपनी आवाज उठाई थी, तो वही आज उन्होंने मुंडन कराकर अपनी मांगों को WCL प्रबंधन के सामने रखा। से ये काश्तकार है, सावनेर तालुके के काश्तकार है। ये काश्तकार को 2014 से परेशानी हो रही है। WCL ने 2014 से उनकी खेती लिया, आज तक 526 एकड़ की हेक्टर की खेती लिया है और इसमें 571 काश्तकार की खेती है। इन काश्तकार को जो मेन मांगे है उसके तरफ तो WCL का पूरा ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहे। उनके जो मुआवजा चाहिए, जो जिस तरीके से मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। उनके जो वारस है उनको भी नौकरी का प्रॉब्लम है, तो नौकरी अभी तक नहीं दी है। छोटी छोटी कारण से वो गुमराह कर रहे हैं WCL की तरफ से। हमने इसके लिए उनको उजागर करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमने नागपुर में 24 नवंबर को संविधान चौक में अर्धनग्न आंदोलन किया। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि हमारी मांगे पूरी होगी, हमारे को प्रशासन जो है WCL प्रशासन है वो हमको बुलाएंगी, हमारी डिमांड को विचार करेगी और हमारी जो भी डिमांड है वो मान्य करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी उनके तरफ से कोई लेटर नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया और हमको बुलाया नहीं और हमारी मांगे को विचार किया नहीं। इसलिए हम मजबूरन ये दूसरा जो आंदोलन है वो मुंडन आंदोलन, सामूहिक मुंडन आंदोलन और धरने प्रदर्शन आंदोलन हम कर रहे हैं। अर्धनग्न होकर और आज मुंडन कराकर समिति ने फिर से अपनी मांगे WCL के सामने रखी है। साथ ही इस बात की भी चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वो आने वाले समय में कोयला खदान को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। अब देखना यह है कि इनकी चेतावनी का WCL प्रबंधन पर आखिर क्या असर पड़ता है।